अरे यार, आज तो मैं बैठे बैठे बोर हो गया। चलो कहीं पर घूम के आता हूँ। चलो थोड़ा एयरपोर्ट साइड की तरफ चलता हूँ, थोड़ी ठंडी हवा खाने। तो यार चलो भाई चलते हैं। अरे भाई साहब, आपने मेरी बाइक क्यों ठोक दी? अरे निकल गया मेरी गाड़ी के सामने से। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? देख रहा है, मेरे पास लाखों की एक मस्टैंग जीटीए है और तू मेरे सामने ये बाइक लेके खड़ा है। पहली बात है, मस्टैंग जीटीए नहीं बुगाटी है। हाँ जो बोलेगी, तू अपनी जड़ाली बाइक लेके यहाँ से निकल करी कहीं को। भाई जी मेरे पड़ोसी थे, मेरे सारे पड़ोसी मुझे चिल्लाते हैं क्योंकि सबके पास बहुत अच्छी अच्छी कार है और मेरे पास ये बाइक है। किसका फोन आ रहा है यार? हाँ हेलो बॉस, सुनो फ्रैंक, जल्द से जल्द ऑफिस आओ। क्यों सर, आज तो छुट्टी थी। हाँ छुट्टी है, मगर आज तुम्हें तुम्हारी 7 महीने की सैलरी मिलेगी। अच्छा तो गाइज, आज मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है और मैं जा रहा हूँ, तो चलते हैं यार। चलो भाई, यार मैं बॉस से कहता था कि सर मुझे सैलरी दे दीजिए, मुझे सैलरी मिल रही है, तो फाइनली आज मिल गई, मिल रही है। तो यार ये रहा गाइज मेरा ऑफिस, मैं यहाँ पे जाता हूँ जल्द से जल्द, उसके अंदर जाता हूँ। भाई फाइनली मुझे यार मेरी सैलरी मिल चुकी है, और यार मेरी सैलरी बहुत है, इससे यार मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, बेफालतू में पैसे नहीं उड़ाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ अब, क्योंकि भाई मेरी मेहनत की कमाई है यार। सबसे पहले मैं अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था, मैंने वो सब पूरी कर दी जो भी मेरे पास नहीं था वो सब मैंने। अब मैं जा रहा हूँ फॉर्चुनर के शोरूम में। भाई फाइनली यहाँ पे यार कितनी अच्छी फॉर्चुनर से RGB। मगर यार ये सारी ना, पता नहीं ये शोरूम वाले भैया कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ की है, और इसे बिल्कुल घटिया माइलेज दे रही है। तो मैं दूसरे शोरूम जा रहा हूँ भाई, ये बहुत बेकार शोरूम है, और यहाँ पे एक भी कार, सबके टायर पंचर हैं यार। ये रहा भाई हमारे शहर का सबसे बड़ा फॉर्चुनर का शोरूम। भाई मेरे एक दोस्त ने भी यहीं से फॉर्चुनर खरीदे और वो भाई बहुत अच्छी है, चलती है। तो यहीं से मैं यार एक बड़ी ऐसी ऑरेंज कलर की फॉर्चुनर ले लेता हूँ। तो यार ये मैंने फॉर्चुनर ले ली है यार, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब मैं इसे भाई अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, जो भी मेरा मजाक उड़ाते थे अब उन सबको पता चलेगा कि यार दूसरे का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो यार अब मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी एक खुद की गाड़ी भी हो गई, और यार मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। अभी वो कहीं बाजार में, मतलब कुछ दिनों के लिए कहीं पर गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तो मैं उन्हें ये गाड़ी दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और मेरा भाई भी अब पढ़ने गया है दिल्ली में, तो वो आएगा कुछ महीनों के बाद, तो वो भी बहुत खुश होगा। तो भाई मैंने अपनी फॉर्च्यूनर को इधर रख दिया और अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने पड़ोसी वाली अंकल से मिलने। लेकिन एक सेकेंड, ये किसकी स्कॉर्पियो है? वो ये रहे मेरे पड़ोसी अंकल। हेलो भाई साहब, वो आपके घर के सामने एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी है, तो वो आपकी है क्या? हाँ, तुम्हें क्या लेना? अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम एक नंबर के गरीब हो, इसीलिए तुम बस एक फॉर्च्यूनर लेके गुंडे बनते हो ना, जाके दम है तो स्कॉर्पियो लेके दिखाओ। तो गाइस अब इन्होंने मुझे गुस्सा दिला रही है, और यार अब मेरी इन्होंने फॉर्च्यूनर की भी बेइज्जती कर दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई नई स्कॉर्पियो खरीदने, वो भी स्कॉर्पियो नहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदूंगा मैं, तभी ना अंकल को पता चलेगा। ये बहुत गाइस घमंडी है इनके सामने, जैसे कोई भी इनके घर के सामने आके बैठ जाता है जैसे गरीब लोग, तो ये उन्हें बहुत मार के भगा देते हैं, डॉगीज़ भी आ जाते हैं तो भगा देते हैं। तो मैं जा रहा हूँ पैसे लेने फटाफट से, और मैं जा रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो ख़रीदने। भाई मैंने फाइनली अपने पैसे ले लिए हैं जितने भी की महिंद्रा स्कॉर्पियो मिलती है, और मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से। तो अब जल्द से जल्द भाई बैठते हैं और चलो चलते हैं। तो यार मैं यहाँ पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो के शोरूम में आ चुका हूँ, और यहाँ पे भाई बहुत अच्छी यार मुझे स्कॉर्पियो दिख रही है। अब मैं अंदर जाके एक ब्लू स्कॉर्पियो ख़रीदूँगा। तो भाई फाइनली यार मैंने एक ब्लू स्कॉर्पियो, खुद की महिंद्रा स्कॉर्पियो ख़रीद लिया है यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं इसे लेके अपने घर जा रहा हूँ। यार मेरे मम्मी पापा भाई तो बहुत खुश हो जाएंगे कि यार तुमने इतने कम दिनों में गाड़ियाँ ले ली। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ।
अपने घर पे। तो चलो भाई, इसे अपने गैराज में खड़ी कर देता हूँ, अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो को। भाई मुझे यार बहुत खुशी हो रही है, मैंने अभी अपनी इस जो फॉर्चुनर थी उसे सर्विस पे भिजवा दिया, वो उसकी सर्विस होगी तो वो सर्विस पे लगी है, और अब मैंने इसकी रास्ते में ही सर्विस करवा ली। तो भाई मैं इसको जल्द से इसे अपने गैराज में खड़ा कर देता हूँ। भाई मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इसकी सर्विस में यार, रास्ते में तो नहीं करवाई, अभी करवा लूँगा कुछ दिनों में, क्योंकि अभी मेरे बॉस ने मुझे हाफ सैलरी दिया, बाकी सैलरी जब वो मुझे देंगे तो मैं इसकी सर्विस करवा लूँगा। भाई यार मुझे बहुत खुशी हो रही है, और अब उन अंकल को पता चलेगा जब वो ये स्कॉर्पियो देखेंगे। तो भाई 20 साल बीत चुके हैं यार, और भाई अब मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर बंदा बन चुका हूँ यार। मेरे पास रॉयल्स रॉयस घोस्ट है, लैम्बोर्गिनी है, फॉर्चुनर है। अब भाई मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और मेरे मम्मी पापा भी, भाई मैं पूरा परिवार बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। और यार ये मैंने स्कॉर्पियो को भाई अपना काफ़ी मॉडिफाई करवा लिया था, लेकिन अब गाइस अब मैं ना इससे को जा रहा हूँ बाहर खड़ी करने, क्योंकि भाई सब लोग जब देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि मैं इस क्योंकि यार कि मैं इस शहर का सबसे अमीर बंदा हूँ। और भाई बहुत सारे लोग यार मुझसे मिलने भी आ रहे हैं, क्योंकि यार मैं बहुत अमीर हूँ। और हाँ मैं मेरे ऊपर मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं है यार, गरीब लोगों की बहुत मदद भी करता हूँ, और किसी पे भी मैं घमंड नहीं करता। तो यार फाइनली मैं इतना अमीर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर अमीर हो भाई कमेंट नहीं करना चाहिए, और दूसरों पर भी हमें मदद करनी चाहिए। देखो जैसे वो मेरे सारे पड़ोसी मुझ अपना घमंड करते थे, लेकिन भाई मैंने घमंड नहीं किया यार। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना दोस्तों, मैं तो जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने।